डायरेक्टर साहब आंटी पे चढ़ने का बोला था, तुम लोग दीवारों पे चढ़ा रहे हो यार। भाई अभी दो लड़के खड़े हुए थे मुझे देखने के बाद, वो आपस में बोलने लगे कि इसको जानता है ये यूट्यूबर है। अब मैं बड़ा चौड़ा में, अब वो मेरे पास आने लगा, मैंने बोला चलो हाथ वाथ मिला लेते हैं, पिक्चर भी ले लेते हैं इनके साथ। अब वो जैसे मेरे पास आए, मुझसे गुजरे, मैंने बोला ये कहाँ निकल गया, वो जब मैंने पीछे देखा वाकई में यूट्यूबर था, मैं अभी रैली खड़ा हुआ था। भाई लफ्ज कराची जब लाहौर और इस्लामाबाद वाले सुनते हैं तो उनके जहनों में सबसे पहली बात आती है डकैती। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कैसे पता चला? बचपन में जब हम कोई शरारत करते थे तो अम्मी जो है ना चप्पलों से मारती थी, अब हम माशाल्लाह से बड़े हो गए, अब हमें तानों से मारती है। खैर वेलकम टू बकचोद महफिल एपिसोड 4। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक नहीं बल्कि दो दो हैं और मेरे बहुत खास दोस्त हैं, तो अपने गेस्ट को बुलाते हैं और इस बकचोद महफिल 4 को आगे बढ़ाते हैं। तो भेज दो यार हमारे मेहमानों को, भेज दो यार। अब्बा ऊपर तो लो, अब्बा सबको दे। वेलकम करते हैं इस बकचोद महफिल एपिसोड 4 में, और बकचोद महफिल हो और डूग्स लाइव और जैन भाई नाउ, ऐसा हो सकता है क्या? तीन पार्ट में तो बुलाया नहीं तूने हमें, आपका चौथे में बुला लिया ना, चौथे में बुला लिया। खैर ये एक दरअसल फैमिली शो है, ये जो है लेडीज फैमिलीज बच्चे वो इधर नहीं है, वो हाँ वो वीडियोस देखते हैं, तो इस महफिल से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने कोई गलत बात नहीं करनी, कोई गालम गलोच नहीं करनी, क्योंकि ये फैमिली शो है। समझ गए आप? समझ गए आप? ठीक है, समझ गया। तो आप लोग कुछ खाओगे पियोगे? खाना पीना, खाना पीना यार कुछ ऐसा मंगवा लो जिससे ना दिल खुश हो जाए यार। अभी इस टाइम हम हानि आमिर को किधर ढूंढते फिरेंगे? हाँ नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। ये आपका दोस्त काफी टाइम से चुप है, इनको उर्दू आती है? खुद ही पूछ लो, खुद ही। आपको उर्दू आती है तो दो जुमले मेरे लिए अर्ज करता है। मैं लाया हूँ कबूतर के दो जोड़े, कैसा है माँ के लोड़े। आ गई है गर्मियाँ और आम है कच्चे, फैमिली शो है दल्ले के बच्चे। इस बकचोद महफिल 4 में आप लोगों से बहुत सारे सवाल करने हैं मैंने, तो आप लोग जवाब देने को तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं आप। तो मेरा आप लोगों से सबसे पहला सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताएं आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर है डकी भाई। डकी भाई? तो डकी भाई में आपको क्या अच्छा लगता है? उनकी वाईफाई जो लगा हुआ है ना उनके घर पे पीटीसीएल का, वो झूठ बोल रहा है। असल में मैं बाल बढ़ा रहा हूँ ना, तो वो बाल बढ़ रहे हैं लेकिन घूम रहे, कर्ली हो रहे, तो आप लोगों के पास कोई ऐसा हल है, सोल्यूशन है इसका, जो स्ट्रेट हो जाए बिल्कुल मेरे बाल? है आप? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वही मेरा आप लोगों से अगला सवाल है, आप आगे पीछे कहाँ देख रहे हैं आप घरों में? उन आंटियों को देख रहा हूँ जिनके शोहर दुबई या बाहर होते हैं, इन उनका सहारा बनने के लिए। हाँ, ये बोल रहे हैं। हाँ उनको घर का काम, काम हाँ उनका दही जमा, ओ सॉरी दही लाके दूंगा। फैमिली शो है ये। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यार मैंने सुना है आप लोग किसी की शादी में नहीं जाते, लोग आपको इनवाइट करते हैं? बिल्कुल हम लोग नहीं जाते, नहीं जाते यार, मतलब आप लोगों का अलग ही मयार है। यार की बात नहीं है, भोसड़े की हमारे लिफाफे देने पड़ते हैं, वजह से नहीं जाते। यार अगर किसी फौजी की लड़की हो और वो किसी लड़के का कार्ड दे, मतलब ब्रेकअप हो जाए कार्ड दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेकअप बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? फौजी कट बोलेंगे ना उसको, फौजी कट। फौजी कट बोलेंगे यार। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप लोग मुझे ये बताएं जैसे कौन कौन सी कंट्रीज के नाम आते हैं, कोई तीन कंट्रीज के नाम बताओ। जॉर्डन, जापान, पाकिस्तान। पर पाकिस्तान तो पी से आता है ना। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। यार अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है वर्ल्ड कप चल रहा है, यार मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वर्ल्ड कप जीतेगा वो भी शान से,
ये पागल हो गया गांड से। मेरा आपसे अगला सवाल है, आप मुझे ये बताएं लक क्या है, व्हाट इज लक? देखो दुनिया में 195 कंट्रीज है, बिल्कुल, और मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, ये है लक। उसने लक का पूछा है, लकीर क्या फकीर, बैड लक का नहीं पूछा। लक 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 पूछा, बैड लक का नहीं पता। लक पर देसी गर्ल। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल। क्या हो गया तुम्हें, अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है क्या? मुझे कैसे पता? देख नहीं है कुछ भी। अरे नहीं नहीं, अरे क्या है ये, एहतराम में खड़ा होता है मेरी गर्लफ्रेंड के। अच्छा जिसको धाओ, तुमने गर्लफ्रेंड की याद दिला दे यार। तो क्या हुआ? बड़ा प्यार करता था यार मैं उससे, उसके घर वाले नहीं मान रहे यार। तो लेके भाग जाता ना, लंगड़ी है से भागता। मैंने प्यार दिया, पलकों पे बिठाया उसको। तो हो सकता है वो पलकों पे ना बैठना चाह रही हो। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बात बता दो यार, मुझे ना मेरे घर वालों को खुश करना है, मैं क्या करूं ऐसा? घर छोड़ दे। तो भाई बढ़ते हैं अगले। ओहो आईफोन ले लिया, कॉल आ रही है, ले लिया आईफोन। कौन सा है इनके पास आईफोन? हेलो, हाँ माल लोड करा दिया। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा आपसे अगला सवाल है, आप मुझे ये बताएं, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो अनलकी लोग होते हैं वो किस मंथ में पैदा हुए हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, पाकिस्तान, दिसंबर, अक्टूबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, पाकिस्तान, नवंबर, दिसंबर। अरे हाँ मेरे को याद आ गया यार, एक फ्लैट आया हुआ है, अगर किसी को चाहिए हो तो बताना मुझे। सही है, तो रूम चाहिए थी ना। बेड है, बेड है वहाँ पे, बेड, चादर वादर, एसी लगा हुआ है। अरे वो चढ़ी के मतलब वो बिकने के लिए आया हुआ है, कोई पार्टी हो तो बताना। हाँ बेड है उसमें। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताओ आप दोनों दोस्त हो? हाँ। अच्छा वो वाले दोस्त बड्डी। अच्छा ये बताओ अगर इसकी शादी हो जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा? यार मेरी जान छुड़ जाएगी। कोई मूवी का नाम बताओ और उसके एंड में लगा दो बाथरूम में, डोली सजा के रखना बाथरूम। एक था टाइगर बाथरूम में, कभी खुशी कभी गम बाथरूम में। तेरे नाम बाथरूम में। भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल मैं आप लोगों से जल्दी पूछूंगा, आपने जल्दी जवाब देना, टाइम नहीं लगाना इस पे, ठीक है? रेडी? हाँ 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 हाँ। तो मेरा आप लोगों से अगला सवाल है, ये बताएं गुस्सा आने पे जिस्म का कौन सा हिस्सा जल्दी गर्म हो जाता है? दिमाग। दिमाग। लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज से एंजॉय करते हैं? गाड़ी, गाड़ी, फैमिली शो, फैमिली शो। हाँ ये बताएं, हैप्पी और सैड? गांड। दिमाग। क्या हो गया, फैमिली शो है यार, गंदी गंदी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यार ये जो लाहौर ये इस्लामाबाद वाले लोग हैं वो समझते हैं कि कराची में जो लोग रहते हैं ना उनकी जो कास्ट है वो ये है, पठान, सिंधी, मुहाजिर, उर्दू स्पीकिंग, मतलब ये अब्बा ये कास्ट तो है लेकिन इससे बड़ी कास्ट पता है क्या है? जो उन लोगों को नहीं पता। नहीं पता। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कराची में जो अक्सरियत कास्ट वाले है ना वो ये है, अब्बा वाले। अगर देखो पंगा नहीं लेना अब्बा। अच्छा वरना अब्बा कहो भाई पूरा मोहल्ला पहुंच जाता है, सबके सब मारेंगे। और दूसरी कौम होती है जानी लोग, यहाँ जानी लोग बहुत ज्यादा है। आप पंप पे जाओगे, जानी 200 का डाल दे, वो जानी है। चाहे होटल पे बैठो, हाँ जानी 2 कप चाय लिया, ये जानी लोग है। ये वाली कास्ट भी सबसे ज्यादा है कराची में। और तीसरी जो कास्ट है वो क्या है? शपाटर लोंडे। शपाटर लोंडे ये भी बहुत है यहाँ पे। शपाटर लोंडे को अगर पहचानना हो ना भाई, हाँ? जो तुम्हारे बिल्कुल पास से गुजरे, जिसकी बिल्कुल दुगली पतली गांड और कमर हो, समझ लो शपाटर लोंडे। तो भाई कराची में ये लोग पाए जाते हैं, उर्दू स्पीकिंग पंजाबी ये थोड़ी होते हैं यहाँ पे। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अरे यार आजकल मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुआ हूं, बस कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही आप लोग के पास? मैं कोई ऐसी मोटिवेशन है जो मैं हूं ना, मैं हूं ना। देखो, 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 मैं सिगरेट पीता था,
पहले? हाँ पहले मैं सिगरेट पीता था, फिर मिले मुझे अच्छे दोस्त। अरे अब मैं चरस पीता हूँ। भाई ये आई नहीं अभी तक। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यार मुझे हर रात को 3 बजे अपने करियर की टेंशन होने लगती है, कोई हल है? क्या आइडिया अब्बा? तो वो जो मेरे हर हफ्ते लैपटॉप की विंडो उड़ जाती है उसका क्या करूं? तो हफ्ते को ऑन मत कर। यार तुम्हारी एक पिक्चर थी प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक पर, आपने काफी टाइम से अपडेट नहीं की, तो क्यों? फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे थे ना उसमें, इस वजह से अब्बा मैंने की नहीं। फिर क्या, मुझे मेरा दोस्त मिला, मैंने उसके साथ तस्वीर ली और डाली, फिर हाँ तो गई, 3 और कम हो गए फॉलोवर्स। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताएं मर्द को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मत पूछो। क्यों? मत पूछो ना, ये फैमिली शो है, इसमें आप तमीज से जवाब दिएगा, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप ऐसे जवाब दोगे। मर्द को सबसे ज्यादा महबूब पसंद है। अच्छा क्या बोला? महबूब्स। महबूब क्या होता है? जो प्यार में पड़ जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दीवाने। इनके कहने का मतलब है किसी लड़की के प्यार में महबूब बन जाना। हाँ यही मतलब है ना तुम्हारा। भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तुम्हारे भाई की शादी है तो तुम लोग आओगे ना? आओगे ना तुम लोग? साल और महीने का तो नहीं पता, लेकिन जब भी होगी आ जाना तुम लोग, ठीक है? तो अरे यार ये शादी कितनी महंगी कर दी है यार पता नहीं हम लोग क्यों ऐसा करते हैं यार। मोटा फर्नीचर महंगा कर दिया, जहेज महंगा कर दिया, और कमरे में इतना पैसा लगता है, फिर सोने पे इतना पैसा लगता है। नहीं सोने के लिए ही तो शादी करते हैं। कौन से सोने की बात कर रहे हो तुम? कौन से सोने की बात कर रहे हो? गोल्ड गोल्ड। वो भी किसी गोल्ड से कम थोड़ी है। बहुत महंगाई हो गई है, गरीब बंदा तो शादी कर ही नहीं सकता यार। खैर भाई बढ़ते हैं अगला। तुम इतनी देर से हमसे सवाल कर रहे हो, एक सवाल मैं भी तुमसे करता हूँ। एक आदमी में हम कैसे पहचाने कि वो हमारा अच्छा दोस्त है या हमारा दुश्मन है? दोनों में पहचान क्या है? हाँ दो मिनट रुको यार, माचिस। और ये नहीं जानी इसका जवाब, मुझे नहीं पता। तो इसका जवाब नहीं पता। खैर मेरा आप लोगों से अगला सवाल है। तुम ऐसी बातें करते हो ना, दिल करता है तुम्हारा माथा चूम लो। क्या चूस लो? माथा। अच्छा मुझे लगा, सॉरी। खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये मेरा आप लोगों से अगला सवाल है। आप ये बताएं आपकी कमजोरी क्या है? यार मर्दाना कमजोरी। अरे वो वाली कमजोरी नहीं, मतलब आपकी वीकनेस क्या है? मैं ना लोगों पे अब्बा बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। अच्छा यार तुम्हारी इस बात ने मेरा दिल छू लिया। एक काम करो, आज होस्ट तुम बन जाओ, मैं सामने गेस्ट बन जाऊंगा। वाकई में भरोसा कर रहा है? कैसे 2 मिनट में मेरे पे भरोसा? एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे भरोसे के चक्कर में। भरोसे के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे तुम, एक दिन नहीं करते इतना भरोसा लोगों पे। हाँ भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यार मैंने सुना है आप लोग अच्छा गाते हैं। हाँ बाप बहुत बेहतरीन है, तुम गाओ हम आगे से पकड़ते हैं। आगे से पकड़? अच्छा अच्छा हाँ, तो पहली लाइन मैं गाऊं फिर दूसरी आप गाओगे? हाँ ठीक है। तो ये है, दिल ने ये कहा है दिल से, हथी नहीं लगाएंगे कल से। तो भाई आखिरी सवाल है मेरा आप लोगों से, आखिरी सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि काफी सारे सवालात हो गए आप लोगों से और प्रैक्टिस भी कम हो गई क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा है। तो आखिरी सवाल का जवाब दे दो। मैंने सुना है कराची वाले कुछ भी कर सकते हैं। करवाओ कुछ भी। ये टास्क पूरा करके दिखा दोगे तुम लोग? ये है पेन, ये पेन आप मुझको बेच के दिखा दो। सेल मी दिस पेन। अब देखता हूँ कितना टास्क पूरा कर, अगर बेच के दिखाओ पेन ले पड़ गए। अबे पेन गरीब, डायरेक्टर साहब छोड़।
दे भाई को। खत्म। लूट लिया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। खत्म प्रोग्राम किधर जा रही है? डायरेक्टर साहब पकड़ो इसको। प्रोग्राम तो उड़ गया। तो भाई ये बताएं आप लोग, आप लोगों का कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बहुत अच्छा है अब्बा, बड़ा मजेदार है। कभी कभार हम लाख उठा लेते हैं, कभी सवा लाख एक दिन में, एक मिनट में। और कभी कभार ऐसा होता है नहीं भी कमा पाते, पूरा पूरा दिन हम घूम रहे होते, ख्वार हो जाते हैं। ये दिन में लाख रुपए, क्या कारोबार है आप लोगों का? हम दोनों डकैत हैं। डायरेक्टर साहब बैठो, तेरी बैठो।